अपनी यात्रा के 92 साल पूरे होने के अवसर में गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के कोचारव आश्रम से दांडी साइकिल यात्रा को रवाना किया। गुजरात विद्यापीठ द्वारा शुरू की गई ये यात्रा दांडी तक जाएगी। दांडी यात्रा के 92 साल पूरे होने के अवसर पर आइए जानते हैं क्या था नमक कानून जिसने देश के सबसे बड़े आंदोलन का रास्ता साफ किया। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद की साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक निकाली गई ये यात्रा 78 सत्याग्रहियों के साथ शुरू की गई थी, जिसमें धीरे धीरे सैकड़ों भारतीय जुड़ते गए। 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को आंदोलनकारी दांडी पहुंचे और महात्मा गांधी ने समुद्र से एक मुट्ठी नमक उठाकर नमक कानून का सशक्त विरोध किया और इसके बाद उन्हें अंग्रेजों ने अपनी हिरासत में ले लिया। दांडी यात्रा का मकसद अंग्रेजों द्वारा लगाए गए नमक कानून को वापस कराना था। अंग्रेजों ने देश में नमक बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मजबूरी में भारतीयों को इंग्लैंड से आ रहे नमक को खरीदना पड़ता था। नमक कानून के मुताबिक भारतीय नमक नहीं बना सकते थे। इसके अलावा उन्हें नमक की खरीद पर भारी कर भी चुकाना पड़ता था। इसी नमक कानून का विरोध महात्मा गांधी ने किया और दांडी तक उनकी यात्रा को दांडी यात्रा का नाम दिया गया। एक साल तक चले इस आंदोलन के दौरान करीब 70,000 भारतीयों को जेल हुई, जिसमें सी राजगोपालाचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। इस यात्रा ने भारतीयों में आंदोलन की चिंगारी जला दी और धीरे धीरे पूरे देश के क्रांतिकारी इस यात्रा में जुड़ते गए। आखिरकार बढ़ते आंदोलन को देखते हुए अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा और 1931 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने समझौता कर नमक कानून को वापस ले लिया। एक साल तक चले इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रांति का बिगुल फूंक दिया और शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे भारतीयों के सामने अंग्रेजी हुकूमत को हार माननी पड़ी। इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स आपको वक्त से मिलते रहें।